गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अच्छा मेरे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक समान गति और असमान गति। थोड़ी बार मैं आपको एक समान गति की परिभाषा बताऊंगा कि निश्चित समय अंतराल में किसी वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसी को हम एक समान गति कहते हैं। तो एक समान गति में जैसे एक घंटे में 10 किलोमीटर तय किया, 2 घंटे में 20 पहुंच गया, 3 घंटे में 30 पहुंच गया, 4 घंटे में 40 पहुंच गया। इसका मतलब देखिए, पहले घंटे 10 चला, दूसरे घंटे की तरफ 10 चला, दोनों की तरफ 10 ही चलेगा ना, देखिए 10 10, यानी हर घंटे को 10 किलोमीटर चलता है। तो इसी को हम कहेंगे एक समान गति। हम बात करते हैं असमान गति। किसी वाहन द्वारा या किसी पदार्थ द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाए तो उसे हम कहेंगे कि वो असमान गति है। मान लो पहले घंटे 13 किलोमीटर चला, दूसरे में 27 किलोमीटर चला, तीसरे में 30 किलोमीटर चला, चौथे में 20 किलोमीटर चला। देखो गति क्या है, असमान है। यानी किसी एक निश्चित समय में किसी वाहन द्वारा या किसी प्रदान द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाए उसे हम कहते हैं एक समान गति। और किसी निश्चित समय में किसी प्रदान द्वारा या किसी वाहन द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दूरी न तय की जाए, यानी दूरी अलग अलग हो, उसे हम असमान गति कहते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं गति का दर। गति की दर क्या है, कैसे मापते हैं गति की दर है क्या? तो ध्यान दीजिए, किसी वाहन द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को गति की दर कहते हैं। यानी तय की गई दूरी बटे समय, इसी को हम चाल भी कहते हैं। चाल बराबर क्या होगा, औसत दूरी बटे समय। देखिए चाल का मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो किसी वाहन द्वारा एक निश्चित समय अंतराल तय की दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक क्या, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, और समय का क्या होगा सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसके अलावा इसको किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं। यानी गति के दर को कहा जाए तो किसी वाहन द्वारा किसी गतिशील प्रकार द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम गति की दर कहते हैं। गति की दर बराबर तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय। तो प्रत्येक वाहन जो होता है अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है, तो इसका हम औसत लेते हैं। तो चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय में दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड के नाम से जानते हैं, जैसे किलोमीटर प्रति आवर के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम चाल को भी लिखते हैं, दूरी को दस लिखते हैं, और समय को टी लिखते हैं। आपको एक फॉर्मूला दिया है, वी बराबर एस बाई टी, वी बराबर एस बाई टी। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम किसी पर से सवाल देखेंगे, क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। चलिए हम सवालों को देखते हैं। चलो बारी बारी से देखते हैं, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा। चलिए कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक
मीटर दूरी 4 सेकंड में, यानी S1 बराबर 16 मीटर, T1 बराबर 4 सेकंड। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु है वो दूरी तय कर रही है 24 मीटर 16 मीटर और समय है कितना है, समय है आपका 2 सेकंड। तो पूछ रहा है उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए, समय कितना है 2 सेकंड, उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे समय, औसत दूरी बटे समय। औसत दूरी क्या होगी, औसत दूरी का मतलब है कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 16 मीटर एक बार तय किया 16 मीटर एक बार, कुल दूरी हो गई 32 मीटर और कुल समय क्या हो जाएगा, तो एक बार 4 सेकंड लिया है, एक बार 2 सेकंड लिया है, तो 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 6 सेकंड। अब औसत चाल निकाल लीजिए, डी बराबर SYT निकाल लीजिए, एस का मान कितना है 32 दे दिया, टी का मान कितना दिया 6 दिया, आप भाग दे दीजिए 6×5=30 5.333 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप इसके एक्सपीरियंस को लीजिए और आपके बुक में सवाल दिया होगा, मैं आपको बताया था आप सवाल में पेज नंबर 112 पे नीले अक्षर से लिखा है, प्रश्न लिखा हुआ है, पांचवा प्रश्न आपको बनाना है। आज के लिए इतना ही।